हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं देखो घूमने कहीं। और देखिए आपको देख सुंदर नज़ारा देख करके किस लोकेशन की याद आती देखिएगा। और हम आए हैं ये जो कि भीलवाड़ा ज़िले में चित्तौड़ और कोटा के बीच में पड़ता है, इसको कहते हैं मैनाल वाटरफॉल, जो कि मिनी खुजराहो, राजस्थान के खुजराहो के नाम से भी विख्यात है। यहाँ पे बहुत प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे मंदिर का निर्माण ये मैनाल चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, ऐसा बताते हैं इतिहासकार। ये मैनाल का झरना है। हम यहाँ पे घूमने के पर्पज से आए थे, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। लगातार बारिश भी हो रही, मूसलाधार तेज़ बारिश भी हो रही है। और बारिश के कारण जो है भीगते भागते हम लोग जो ये ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं। और ठंड भी, बारिश में भीगने की वजह से ठंड सी लगने लगी, तो ये कैमरा भी जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा जो है पिक्चराइजेशन थोड़ा गड़बड़ सा लगेगा, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे ये ब्लॉग शूट करने का इरादा कोई नहीं था, लेकिन देखा हमने कि बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है, तो सोचा कि हम हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ब्लॉग बनाएँ। तो उस बनाने का प्रयास किया है, बढ़िया बनाने का, लेकिन जैसा ही बना है आप लोग देखिएगा, एडजस्ट करिएगा थोड़ा बहुत। ये जगह महानाल के नाम से भी विख्यात है, कुछ लोग मैनाल वाटरफॉल भी बोलते हैं। और ये मनाली नदी जो आके यहाँ जलप्रपात होता है बहुत ही ऊंचाई से गिरती है, तो इसको मैनाल वाटरफॉल बोलते हैं। ये भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लाडपुरा गाँव पड़ता है उससे 10 किलोमीटर आगे। और यहाँ से पास से ही में एक माता जी का प्राचीन स्थान भी है, जोगणी माता जी का, थोड़ा सा आगे जाके। तो अगले ब्लॉग में हम लोग वहीं जाएंगे। देखिए आप ये नज़ारा देखिए, कितना प्यारा सुंदर नज़ारा। और बहुत सारी पब्लिक जो है इस सुनहरे दृश्य को जो देखने के लिए आए हुए, आज काफ़ी लोग पिकनिक मनाने आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है, आप देख सकते हैं। देखो पानी जो है कितना वेग से और कितनी ऊंचाई से गिर रहा, कितनी जो है ज़ोरदार पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है, बहुत बहने की। बहुत ही डीप में जा गिरता है, काफ़ी नीचे, बहुत ही ज़्यादा गहराई है। तो दोस्तों इस सुंदर दृश्य को, सुंदर नज़ारे को, सुंदर स्थान को देखने के लिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। और देखें कितना सुंदर और मनोरम जो है नज़ारा है, कितना शानदार दृश्य है। ये मैनाल वाटरफॉल जो है बहुत ही प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 11वीं सदी से ही जो प्राचीन सभ्यता जो थी, यहाँ पे प्राचीन शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ और भी काफ़ी टेंपल है जो कि हमें दिखाते हैं हमारी भारतीय प्राचीन सभ्यता के उस काफ़ी अवशेष ही बचे हैं। कई मंदिर तो यहाँ पे जो है खंडरनुमा हो चुके हैं, और मंदिर के प्रत्येक पत्थर पे जो है मूर्तियों को उभारा गया है। हर पत्थर पर अलग प्रकार की मूर्तियाँ उकेरी हुई है। काफ़ी मंदिर जीर्णशीर्ण अवस्था में है, और बहुत ही बड़ा विशाल जो है भगवान नंदी जी हैं अपने शिवजी के मंदिर के बाहर विराजमान, जो कि मेरी हाइट से भी काफ़ी ऊंचाई पे इतनी बड़े विशाल है। काफ़ी मंदिर हैं यहाँ पे जो काफ़ी जीर्णशीर्ण अवस्था में है, क्योंकि देख रेख नहीं है, पता नहीं सरकार का ध्यान नहीं है ये, पता नहीं, या जो है कुछ भी नहीं कह सकते। ये देखिए ये जो मंदिर के जो पत्थर जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, खंडित हुए हुए, खंडर हुए हुए, तो इतिहासकार बताते हैं कि इस जगह को जो है 16वीं शताब्दी में अकबर ने के आक्रमण के दरमियान जो है तहस नहस किया गया था, सारे मंदिर को तोड़ा गया था, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं। क्या पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इतिहास में यही दर्ज किया हुआ है। ये देखिए मंदिर आपको नज़र आ रहे, मंदिर के आसपास में बिखरे देखो ये पत्थर, और इनके मंदिरों के जीर्णशीर्ण अवस्था दिख रही है, दिखाई दे रही है। देखिए आप हर तरफ लाल पत्थरों से निर्मित बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं, प्रॉपर से देख रेख नहीं है। पुरातत्व विभाग भी शायद देख रेख प्रॉपर से नहीं करता। देखिए आप देख सकते हैं, नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखिए ये अलग अलग कई प्रकार के मंदिर हैं यहाँ पे, काफ़ी मंदिर हैं, जिनके काफ़ी मंदिरों के तो सिर्फ अवशेष ही बचे हैं, आज बहुत ज़्यादा खंडित हो चुके हैं, खंडर हो चुके, नुमा हो चुके हैं, बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है। ये
देखिए बहुत ही बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर हैं यहाँ पे, लेकिन अब जो है देख रेख के अभाव में और वो ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। लाल पत्थर जो कि भीलवाड़ा में ही निकलता है उसमें बनाए गए हैं, उन पर मूर्तियाँ वगैरह वहीं उकेरी गई हुई। बारिश में भीगने के कारण जो है हाथ पैर भी जो है काम नहीं कर रही, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और ठंड के मारे जो है कैमरा बड़ी ज़ोरों से हिल रहा था। देखिए आप अभी आगे ले चलते हैं आपको, हम ये दिखाते हैं और ये द्वार बना हुआ है, एक द्वार से बाहर निकल के ये रास्ता भी जो है वाटरफॉल को देखने के लिए बनाया हुआ प्लेस वहाँ पर जाता है। यहाँ पर खड़े होकर के जो है सामने का पूरा व्यू नज़ारा सुंदर नज़ारा दिखाई देता है कि वाटरफॉल गिरता है उससे आगे तक का पूरा नज़ारा दिखता है। तो ऐसे लग रहा है जैसे पानी गिरता है, उससे धुआं धुआं उठ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहराई में पानी गिरता है, जैसे पूरे आगे तक ऐसा नज़र आ रहा है कि धुआं धुआं हो रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है आपको, दूर से भी नज़र आ रहा है, देखिए काफ़ी दूर से पूरे हरियाली हरियाली हो गई है। यहाँ पे अब जो है आस पास के दूर दूर के भी पिकनिक मनाने आते रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही धार्मिक स्थान भी है और पिकनिक स्पॉट भी जो है बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट का स्थल है। दो तीन महीने तक यहाँ पे लगातार जो है मेला सा लगा रहेगा, पिकनिक ऑलवेज पिकनिक पर आने वाले लोग जो गाड़ियाँ लगी रहती हैं बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये स्थान, राजस्थान का मेला मेनाल वाटरफॉल। ये देखिए लोग वक्त जो है ऊपर की तरफ से भी जो है झरने में नहाने के लिए जा रहे हैं, काफ़ी लोग जो है झरने के बीच में बैठे हैं, साइड में बैठे हुए हैं, नहाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं मौसम का। देखिए कुछ लोग छतरी लेकर के बैठे हैं आसपास में, पिकनिक मनाने आए हैं जो। काफ़ी फैला हुआ है इसका, मतलब ये पूरी मनाली नदी है, मेनाल वाटरफॉल इसी के नाम से विख्यात है। मनाली नदी आगे गिरती है यहाँ से नीचे, जलप्रपात बनता है इसका। लोग जो है बैठे हुए बीच पानी के बीच में आनंद ले रहे हैं, बारिश भी हो रही है, बारिश में भीगते हुए और पानी के बीच में बैठे हुए लोग आनंद ले रहे हैं, नज़ारे बैठे हुए। ये देखिए शिव जी का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का महानाल मंदिर, ये देखिए मंदिर एक और है मंदिर है ये, और सभी मंदिरों के हर एक पत्थर पे मूर्तियाँ उकेरी गई है। देखिए आप देखेंगे तो नज़र आएगी आपको, ये देखिए हर पत्थर पे मूर्तियाँ हैं, अलग अलग मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये देख सकते हैं कितनी सुंदर कलाकृति है मूर्तियों मंदिर के पत्थरों पर, मूर्तियों पे कितनी बारीकी से काम किया गया है, बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है। बड़े बड़े विशाल पत्थरों से कुरेद कर काट छाट कर बनाए हुए हैं, क्योंकि उस ज़माने मशीनरी नहीं थी फिर भी इतनी सुंदर और कलाकृतियाँ बनाई हुई है। और एकदम बैठ करके कुछ आनंद
लेते हुए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अवश्य बताएं लाइक कमेंट के माध्यम से। और जो भी न्यू भाई बहन आते हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और वीडियो कैसा लगा, छोटा सा प्रयास है, कैसा लगा अवश्य बताएं।